हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो शॉप पर और मैं हूं आपका दोस्त सैम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इंडक्शन कुकटॉप की अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास मौजूद है फ्लिपकार्ट की तरफ से आया हुआ बॉक्स, तो इसे ओपन करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया की गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मौजूद है जो कि हमारे प्रोडक्ट का है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं और इसे साइड में कर देते हैं। दोस्तों, इस बॉक्स पर डिलीवरी रिलेटेड एक स्टिकर लगा हुआ है। दोस्तों, इस स्टिकर को छूने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बिल मौजूद है। चलिए इस स्टिकर को हम निकाल कर देख लेते हैं। इस बिल को स्टिकर से अलग करके इसे साइड में रख देते हैं दोस्तों, और हमारे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये है पिजन कंपनी का फेवरेट इंडक्शन कुकटॉप और इसके फ्रंट लुक पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इस प्रोडक्ट के साथ 1 ईयर की वारंटी मिलती है और ये प्रोडक्ट 1800 वैट का है। साथ ही इसके साथ सॉफ्ट पुश बटन का फंक्शन मिलता है और सबसे अहम बात, ये प्रोडक्ट 35% एनर्जी सेविंग कंपेयर टू LPG कुकिंग है। दोस्तों, इसके साथ ही स्मार्ट टाइमर फॉर हैंड्स फ्री कुकिंग का फंक्शन भी हमें इसके साथ मिलता है। दोस्तों, चलिए बॉक्स के बैक साइड को देख लेते हैं। बैक साइड में प्रोडक्ट की क्रिस्टल प्लेट के बारे में जानकारी दी गई है और इसमें कौन कौन से फंक्शन वर्क होते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट सुटेबल है मेकिंग डोसा रोटी, मेकिंग डीप फ्राई एंड सूट, मेकिंग इडली, हीटिंग मिल्क, मेकिंग करी, प्रेशर कुकर के लिए सुटेबल है और प्रीसेट टाइमर ऑटो फंक्शन इसमें दिया गया है। दोस्तों, अब हम इस प्रोडक्ट की आगे की जानकारी लेते हैं। इसमें एक नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिसमें कंटेंट, मॉडल, क्वांटिटी, MRP, वोल्टेज, वैटेज। इसमें MRP दी गई है 3,195 की, जो कि इसकी असल प्राइस नहीं है। इसकी असल प्राइस हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे दोस्तों। और इसमें कस्टमर केयर के नंबर वगैरह दिए गए हैं, जिसमें टोल फ्री नंबर भी शामिल है। इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप टोल फ्री नंबर पर जानकारी ले सकते हैं या फिर कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं। ओवरऑल इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है और बढ़िया पैकेजिंग के साथ आपको डिलीवर किया जाता है। चलिए अब हम इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं और हमारे प्रोडक्ट को इस बॉक्स से बाहर निकालते हैं। प्रोडक्ट के साथ हमें एक यूज़र मैनुअल बुक मिलती है। इस बुक में इस प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है, साथ ही इसे कैसे ऑपरेट करना है उसकी भी टोटल जानकारी इस बुक में है। साथ में वारंटी कार्ड भी हमें मिलता है, प्रोडक्ट में वर्क करने वाले फंक्शन और ऐसी बहुत सारी जानकारी इस बुक के ज़रिए हमें मिलती है। चलिए इस बुक को साइड में रख कर अब हम जल्दी जल्दी आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
ये हमारे प्रोडक्ट की 3-पिन केबल है दोस्तों, और इसमें साफ तौर पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इस पिन की क्वालिटी की बात करें तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की पिन नज़र आ रही है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1 मीटर के करीब इसकी लंबाई है। मुझे लगता है कि इसकी लंबाई थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। प्रोडक्ट के सामने की तरफ क्रिस्टल प्लेट नज़र आ रही है। इस क्रिस्टल प्लेट पर एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल ये दर्शाता है कि बर्तन इसके ठीक बीच में आना चाहिए, यानी इसके दरमियान में हमें बर्तन रखना होगा। और प्रोडक्ट के बैक साइड को देखें तो नीचे की तरफ यहाँ एग्जॉस्ट फैन दिया गया है। एग्जॉस्ट फैन के ज़रिए हीटिंग कोयल को कूल किया जाता है। इस प्रोडक्ट के ठीक नीचे बैक साइड में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंडक्शन के LED स्क्रीन पर जो भी एरर आते हैं उसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, ताकि आप उसे समझकर उसे ऑपरेट कर सकते हैं। इस पर यूज़ किए जाने वाले बर्तन की जानकारी ले लेते हैं। इस पर यूज़ किए जाने वाले बर्तन का बेस फ्लैट होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी साइज़ मिनिमम 12 सेंटीमीटर से मैक्सिमम 24 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बर्तन स्टील, आयरन, मेटेलिक स्टील होना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन इस पर यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। इस पर रखे जाने वाले बर्तन का वेट मैक्सिमम 15 kg तक होना चाहिए। बर्तन का बेस गीला हो तो इसे सूखे कपड़े से साफ करके आप इंडक्शन पर यूज़ कर सकते हैं। इस पर जो भी बर्तन रखा जाए उसका बेस कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। चलिए इसे कैसे यूज़ करते हैं हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के ठीक बीच में जो सर्कल दिया हुआ है, इसी सर्कल के ठीक ऊपर हम बर्तन रखेंगे। अब हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच के ठीक बाजू में टेम्परेचर इंक्रीज करने का बटन है, यहाँ से आप टेम्परेचर कम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ऑटो फंक्शन भी मौजूद है। इस फंक्शन के ज़रिए, इस बटन के ज़रिए आप डायरेक्टली उस टेम्परेचर पर अपने इंडक्शन कुकटॉप को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हर फंक्शन के ऊपर एक इंडिकेटर भी नज़र आएगा आपको। टाइमर स्विच के ज़रिए आप कुकिंग को लगने वाले समय को सेट कर सकते हैं। यहाँ इस तरीके से मिनट आप बढ़ाकर उसको सेट कर सकते हैं। आपने जितने मिनट की कमांड दी है उतने मिनट तक ये इंडक्शन कुकटॉप वर्क करेगा। इस स्विच के ज़रिए आप करंट वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट वर्क नहीं करता, या कभी कम वोल्टेज होने की वजह से भी ये वर्क नहीं करता है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करना बहुत आसान है दोस्तों। एक मरतबा अगर आपकी समझ में ये सारे फंक्शन आ गए तो आप इजीली इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आखिर में हम इस प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में जानकारी लेते हैं। इस प्रोडक्ट के बिल के अनुसार इसकी प्राइसिंग है 1,197। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर तरह तरह के ऑफ़र उपलब्ध हैं। आप उन ऑफ़र के ज़रिए इसे और कम प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो और ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, और आपका प्यार हमारे साथ इसी तरह बना रहा तो हम इसी तरह के और नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।